वेलकम स्टूडेंट्स टू नाउ द इजी क्वेश्चंस फ्रॉम जेई 2016 के सेकंड वीडियो में। आई होप 2017 के जो इजी क्वेश्चंस थे हमारे पास वो और जो जेई के मॉडरेट क्वेश्चन थे 2017 के और जेई 2016 के जो ये क्वेश्चन थे आपके पास, ये सब आपने देख लिए होंगे। मतलब मैं रिपीटेड इस बात को बता रहा हूं कि लगभग 12 क्वेश्चन बहुत आसान और 10 क्वेश्चन मॉडरेट, 22 क्वेश्चन फिजिक्स के जेई में ऐसे होते हैं। अब जेई 2016 का जो हमने पिछला वीडियो दिया उसमें आपको 6 क्वेश्चन दिए, जिसमें से आपको क्लियर हो चुका होगा कि बहुत आसान थे वो 6 क्वेश्चन स्टेट में। अब मैं अगले 6 क्वेश्चन की बात करूंगा विच आई क्लेम वेरी वेरी इजी। देखिए पहला क्वेश्चन ये था, अब पॉज करके पढ़ लीजिए। ये कहता है 4 माइक्रोफेरेड और 9 माइक्रोफेरेड, 4 और 9 माइक्रोफेरेड में टोटल कितना चार्ज है, उससे 30 मीटर दूरी पर आपको चार्ज निकालना है। तो पहले इसने दो चीजें पूछ ली, इनडायरेक्टली आपसे चार्ज पूछा, कैपेसिटर को निकालने का तरीका, फिर उस चार्ज की वजह से आप के क्यूब आर स्क्वायर लगाएंगे। तो हमारा पहला प्रिंसिपल रहा हम 4 और 9 वाले को चार्ज दें। अब चार्ज के लिए हमें पहले उनके अक्रॉस पोटेंशियल चाहिए। याद रखना ना, 4 पर पोटेंशियल 8 वोल्ट है ना 9 पर है, इट विल ब्रेक। किस रेशियो में ब्रेक करेगा ध्यान रखो, रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस क्या है, 4:12, 9 और 3 पैरेलल में है, 9 और प्लस 3 12 बन गया, इसलिए पोटेंशियल का रेशियो 3:1 होगा। इसका मतलब 4 माइक्रोफेरेड के ऊपर 6 वोल्ट हो जाना चाहिए और 9 माइक्रोफेरेड के ऊपर 2 वोल्ट होना चाहिए। ये पुराना प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए, इनवर्स रेशियो में होता है। अब चार्ज ऑन 4 माइक्रोफेरेड मैंने निकाल दिया, Q = CV 24 माइक्रोफेरेड, 9 वाले पर निकाल दिया 9 × 2 18 माइक्रोकूलम, टोटल चार्ज 18 + 24 बिकम्स 42 माइक्रोकूलम। अब क्या रह गया, अब तो मुझे चार्ज पता है बेटा और 30 मीटर दूर मुझे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन रह गया, K³² कर दिया। आप देख सकते हैं K की वैल्यू 9 में है और नीचे 30 × 30 वो भी 9 है, वो सब कट जाएगा। देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं 420 के आसपास आना चाहिए इसका आंसर, 42 वाला, तो वो आपके पास 4th इसका आंसर है। मैंने इसे बताया इस क्वेश्चन में कोई और विशेष कॉन्सेप्ट है, सिर्फ आपकी ये स्किल है कि आप 4 माइक्रोफेरेड और 9 माइक्रोफेरेड के अक्रॉस चार्ज ठीक निकाल पाते हैं, और ये तो CBSE लेवल है। अगला देखिए, देखो 2 रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, उनकी अलग अलग हाफ लाइफ है, इसमें इक्वल नंबर ऑफ न्यूक्लियर शुरू में है। अब 80 मिनट के बाद डीकेड नंबर ऑफ ए एंड बी न्यूक्लियर चाहिए रेशियो। 80 मिनट का मतलब, अब ध्यान से देखना, ए के लिए कितना हो चुका बेटा, ए के लिए 3 हाफ लाइफ हो चुकी है और बी के लिए 2 हाफ लाइफ हो चुकी है। सो 2 हाफ लाइफ होने के बाद या 3 हाफ लाइफ होने के बाद, जैसे हम पहले ए की बात करें, ए की 3 हाफ लाइफ होगी, तो ए का मटेरियल आपको पता है 3 हाफ लाइफ के बाद, 20 × 4 = 80, 4 हाफ लाइफ के बाद ए का मटेरियल 1/16 बचेगा, 2^4। तो ए में जो डीके हो गया वो कितना है, वो n/16 नहीं है बेटा, n/16 तो बच गया है, तो n − n/16 15 n/16 बच गया है। ऐसे ही हम दूसरे का निकालेंगे, दैट विल बी n − n/4, क्योंकि 40 मिनट का मतलब 2 हाफ लाइफ हुई, 2 हाफ लाइफ मतलब 1/2 का स्क्वायर, जितनी हाफ लाइफ हो आपको पता है 1/2 n हो जाता है। अब मेरे पास इस क्वेश्चन में सिर्फ हल्की सी कलाकारी ये करी है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए कहीं पर आप डिकेड का न निकाल दे, उसने अनडिकेड जो बच गया, नॉर्मली हमारा क्वेश्चन बेटा अनडिकेड वाला होता है, क्या बच गया है, तो आपका आंसर n/16 = n/4 ना निकाले, सिर्फ वही इसमें थोड़ा सा खेल किया है। अब आपको निकालना है डीके कितने हो चुके हैं, तो जो बच गया है उसकी रेशियो निकाल लो आप, रेशियो 15/16 n और 3/4 5:4 आ गई। इसमें सिर्फ लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, हल्की सी समझने की बात, इसने ये नहीं कहा कितने डीके हुए, इसने बोला मतलब कितने बच गए। नॉर्मली हमारे पास 1/2 n में क्या होता है, कितने बच गए, इसने कहा कितने डीके हो चुके, सिर्फ हल्का सा फर्क था। जब भी मैं क्वेश्चन दूं, देखिए अगला, इसको एक मिनट पॉज करके आप सुन लीजिए, वीडियो में इसके लंबा नहीं बनाता। आइए, आप सबके पास ये ग्राफ है, मुझे इस ग्राफ में मैक्सिमम टेम्परेचर चाहिए। प्रिंसिपल है PV = nRT,
तो मैक्सिमम टी के लिए वो तभी होगा जब पी और वी मैक्सिमम, इनका प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। आपके पास पी वी का ग्राफ है, आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, आपको मालूम है पी वी की इस लाइन ए बी लाइन का आप इक्वेशन निकाल सकते हैं। जब लाइन की इक्वेशन आएगी तो पी इंटू वी कर दो, उसको डिफरेंशिएट कर दो, पी इंटू वी निकालो, उसको डिफरेंशिएट कर दो और मैक्सिमाइज कर दो, तो उससे आपके पास अलग अलग पी और वी की वैल्यू आ जाएगी, उससे ये मैक्सिमाइज हो जाएगा। समझिए आप, क्योंकि उसने मैक्सिमम टेम्परेचर का मतलब मैक्सिमम पी वी, तो पी वी पहले मैं फंक्शन बना लूंगा, उसको फिर मैक्सिमाइज कर दूंगा। देखो आओ, मैंने ग्राफ पे वैल्यू बनाई, सबसे पहले मुझे पता है वाई एक्सिस पर पी है, तो मैंने पॉइंट ले लिए ए बी और उसको सॉल्व कर दिया, इक्वेशन बन गई। आप देखो मेरी इक्वेशन तैयार हो गई है, तो मेरी इक्वेशन पी की इक्वेशन देखो बेटा यहां पर आ गई है, 3P0 - P0V/V0। अब मुझे बेसिकली क्या करना है, पी इंटू वी, मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया पी वी से, तो ये बन गया 3P0V × P0V² / V0। ये मेरे पास वैल्यू पी वी की आ गई, मुझे इस फंक्शन पी वी को मैक्सिमाइज करना है, तो इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं मैं, इसमें वेरिएबल सिर्फ वी बचा है मैंने, क्योंकि हर चीज में उड़ा दिया, वी रहने दिया, अगर पी रहने देता तो पी बचता, लेकिन मैंने इसको वी में ले दिया, तो आपको बेसिकली वी के इस रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना कर दिया मैंने, dPV/dV किया, तो क्या आया 3P0 - 2P0V/V0। देख सकते हैं आप P0V² का डेरिवेटिव। अब मैक्सिमाइज के लिए इसको जीरो से इक्वेट करना, ये आप मानते हैं, सेकंड डेरिवेटिव से फिर चेक कर सकते हैं माइनस आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, आप मैथ्स के बच्चे आप देख सकते हैं इस फंक्शन में ये कांस्टेंट है और इसका डेरिवेटिव माइनस ही आएगा, मैक्सिमा आ गया। तो मैक्सिमम वी के लिए वैल्यू क्या है, 3V0/2। फिर क्या किया हमने, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दी पी वाली में, अगर वी नॉट की वैल्यू 3V0/2 है तो पी की वैल्यू 3P0/2 आती है, यहां रखिए देखिए। क्योंकि हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम पी नॉट वी नॉट, अब मल्टीप्लाई कर दो इसको, पी नॉट वी नॉट 9PV0/4 आ गया, लेकिन हमारे पास एन नंबर ऑफ मोल्स हैं तो 9PV0/nR आ गया, क्योंकि मुझे टी निकालना है ना, टी क्या बेटा PV/nR, तो पी की वैल्यू वी की वैल्यू और एन और आर की वैल्यू मैंने पुट कर दी। इसमें इस क्वेश्चन में आपकी मैथमेटिकल स्किल यूज करी है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाली, ये तीसरा क्वेश्चन था जो इजी कैटेगरी का ही था। आइए अगला देखिए, पढ़िए इस क्वेश्चन को, ये एरर एनालिसिस का क्वेश्चन कह सकते हैं, ये एक्सपेरिमेंटल का क्वेश्चन कह सकते हैं। आइए सबसे पहले तो मुझे बताना है कि एवरेज टाइम क्या है, उसकी चिंता मत करो, 90, 91, 95, 92 इनका एवरेज निकालना है, मैंने निकाल लिया सर 92। अब आपको याद होगा मेजरिंग 1 सेकेंड की है और मुझे इसका टाइम बताना है, तो पहली बात याद रखो क्योंकि मेरी मेजरमेंट 1 सेकेंड की एक्यूरेसी की है, फोर्थ इसका आंसर नहीं हो सकता क्योंकि मेरी एक्यूरेसी 1 सेकेंड की है, 1.8 की एक्यूरेसी मेरे पास है ही नहीं है, तो मेरा आंसर 1, 2, 3 में होना है, होल नंबर में होना मेरा आंसर, पहली बात। अब क्या करेंगे, हम डेल्टा टी निकालने की कोशिश करेंगे, आपको याद है डेल्टा टी के लिए क्या करते हैं, एवरेज में से इंडिविजुअल वैल्यूज को माइनस करते हैं, 92 - 90, 92 - 91, 92 - 95, 95 - 0, दिस विल गिव यू ऑल डेल्टा टीज, यू विल टेक ऑल द डेल्टा टीज, दैट कम्स आउट टू 1.8 सेकेंड। अब अगर मेरे पास 0.1 सेकेंड तक की एक्यूरेसी होती तो मेरा आंसर 92 ± 1.8 हो जाता, बट फिर वही बात, क्योंकि इसकी मेजरिंग 1 सेकेंड तक की है, मुझे प्लस माइनस 2 लेकर चलना पड़ेगा, हेंस माय आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। इसमें आपकी क्या क्या चीजें चेक करी गई हैं, एक तो आपका सिग्निफिकेंट फिगर चेक कर लिया गया, दूसरा आपको एवरेज एरर निकालने के बारे में बात की गई, ये दो चीजें आपको समझनी है। इनफैक्ट ये क्वेश्चन एग्जैक्टली NCERT के पेज नंबर 27 वाला क्वेश्चन है, यू कैन चेक इट अप, अगर आपने आंसर ठीक करिए तो ये क्वेश्चन आपसे गलत हो नहीं सकता। आइए वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में अल्फा बीटा यूजुअल मीनिंग्स हैं, इनकरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड बीटा। इनफैक्ट ये क्वेश्चन तो अगर आपको पता भी ना हो अल्फा बीटा क्या है तो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि इसने कहा कौन सा गलत है, आप 1, 2, 3, 4 चारों को सॉल्व करने की कोशिश करें, जो डिफरेंट आएगा वो अलग है क्योंकि बाकी सारे 3 तो सेम, अगर आपको नहीं भी पता तो, लेकिन हमें क्योंकि कॉन्सेप्ट को लेकर चलना है, क्या कमी है तो हमें पता है ये क्या होता है, करंट गेन्स होते हैं, आपको ट्रांजिस्टर में मालूम है IE = IB + IC और IE + IC = 1/अल्फा, सिमिलरली IB + IC = 1/बीटा, आपने ये वैल्यू ले, इसका मतलब नंबर 2 तो बिल्कुल ठीक है, तो स्क्वायर तो कभी आ नहीं रहा, तो पहला वाला गलत हो गया और हमने चौथा भी ठीक कर लिया, तो पहला और चौथा दोनों ठीक है,
और पहला और तीसरा दोनों गलत है। ऑप्शन में यूजुअली एक गलत होना चाहिए था, यूजुअली का टेक्निकली इनका सिंगल ऑप्शन गलत है, लेकिन ये पर्टिकुलर क्वेश्चन देखिए 2016 में ऐसा आ गया था जिसमें दो ऑप्शन गलत थी, तो आप एक या तीन दोनों में से कोई जो क्वेश्चन होगा, वैसे आपके पेपर में ऐसी गलती नहीं आने वाली है, पर फिर भी ध्यान रहे कि आप निकाल सकते थे। इसमें आपको कोई खास नहीं पूछा गया, सिर्फ आपको बेसिक साइंस ही पूछी गई है। आगे देखिए, ये एक पार्टिकल ऐसे जंप कर रहा है उसका एम्पलीट्यूड ए है, अब उसकी स्पीड 3 गुनी हो जाती है, कब? जब वो 2a/3 फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन से है। थोड़ी लैंग्वेज में प्रॉब्लम इस क्वेश्चन के जरूर है, थोड़ा आप समझिए। एक्चुअली वो कहना ये चाहता है कि जब इसकी वेलोसिटी 2a/3 है, उस वक्त जो वेलोसिटी थी, तो नए एम्पलीट्यूड में जब वेलोसिटी 2a/3 डिस्प्लेसमेंट कर दी है, तब वेलोसिटी 3 गुनी हो गई है, क्योंकि एम्पलीट्यूड क्वेश्चन देखा ना, पूछ रहा था न्यू एम्पलीट्यूड, इसका मतलब नया एम्पलीट्यूड पूछ रहा है। तो हमारे पास लेकिन ओमेगा नहीं बदलता है, तो ओमेगा वही है, पहले केस में 2a/3 एम्पलीट्यूड से डिस्टेंस है, तो उस समय वो उसकी पोजीशन निकालना चाहता है, वेलोसिटी वी है। दूसरे केस में मेरा एम्पलीट्यूड बदल गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वही पुराना 2a/3, नया 2a/1/3 नहीं किया, पुराना 2a है। आइए देखते हैं, आपके पास फॉर्मूला है v = ω a² - y², हमने फॉर्मूला लगा दिया आपके सामने, वैल्यू आ गई ओमेगा √5/3 आ गई। ऐसे अब दूसरे केस में क्या किया, मैंने एम्पलीट्यूड को a1 लिख लिया, क्योंकि a तो नहीं, अब तेरे को मालूम है a के अलावा कुछ और होगा, हमने a1 कर दिया। अब मेरे पास इसमें ओमेगा को और v को एलिमिनेट करना है, आप डिवाइड करेंगे आपका सीधा आंसर आ जाएगा, देयर इज नो इशू, a1 इन टर्म्स ऑफ a आपके पास आ जाएगा। अब देखिए मैंने इसको सॉल्व कर दिया, इसको सॉल्व करके मेरी वैल्यू a1 7a/3 आ गई है। सेकंड पार्ट में तो हमने कुछ खास किया नहीं, इट इज बेसिकली ओनली द कैलकुलेशन ऑफ दैट थिंग, यू कैन सी। सो दिस वाज द टोटल टॉपिक ऑफ सिक्स क्वेश्चन सेकंड सेट क्वेश्चन व्हिच कैन टेल यू दैट द जेईई के अंदर अब आपके सामने इस टॉपिक में 12 क्वेश्चन आपके ऐसे हो चुके हैं जो आप कर चुके हैं, जो बिल्कुल सिंपल में है। तो 12 क्वेश्चन का मतलब बच्चों 12 × 4 48 मार्क्स आपके सिंपल हो गए। अभी मैं आपको मॉडरेट क्वेश्चन 10 और बताऊंगा जिसमें थोड़ी सी मेहनत आपने करनी होगी, तो वो 10 भी हो जाएंगे। तो 22 क्वेश्चन तक जेई में बहुत आसान है, आप इनको यूज करें। कोई आपको डाउट हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आप यूट्यूब पर भी लिख सकते हैं और मेरी वेबसाइट www.dhavanlearning.com पर भी मुझसे कोई डाउट पूछ सकते हैं। इसका पूरा टेक्स्ट भी आपको dhavanlearning.com पर मिल जाएगा, कल के बाद आप उसको यूज कर सकते हैं, पूरी तरह यूज करें, फ्रेंड्स को बताएं और अपनी मेहनत को ठीक से करें, ताकि आपके पास अल्टीमेट रिजल्ट जो आप चाहते हैं वो मिल सके। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।